दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल माइथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। दोस्तों, कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने दुर्योधन या अधर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए भी सबका सम्मान प्राप्त किया था। आज भी अगर आप कर्ण और अर्जुन की तुलना करते हैं तो शायद कर्ण अर्जुन को इस तुलना में पीछे छोड़ देते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के बाण से अर्जुन के 3 कदम पीछे चलने वाली घटना हुई, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने ही कर्ण की प्रशंसा की। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली योग्य है। युद्ध के 15वां दिन जब कर्ण अर्जुन के रथ को पीछे धकेलने में सफल हो रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष का संधान विजय क्षेत्र में ही किया था। जिस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसी तरह कर्ण के पास परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था, जिसका संधान उन्होंने युद्ध के 17वां दिन किया था। साधारण धनुष से दिव्यास्त्र नहीं चलाए जा सकते हैं कि वो उसके असीम शक्ति को सहन नहीं कर पाते और टूट जाते। तो आखिर ऐसा वो कौन सी अद्भुत दिव्या और महाशक्तिशाली वाली अस्त्र कर्ण के पास थे जिनके लिए उन्हें विजय नामक धनुष का उपयोग करना पड़ा। आइए जानते हैं हमारे साथ इस वीडियो में। अग्नि अस्त्र, ये मंत्र शक्ति से तैयार किया गया एक ऐसा बाण है जो भयंकर अग्नि वर्षा करता था। इसका उपयोग विशेषकर सेना को तितर बितर करने और अपना रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। जब भी विरोधी सेना को आगे बढ़ने से रोकना होता था, तब इस अस्त्र का आम तौर पर उपयोग किया जाता था। अग्नि अस्त्र की काट प्रजन्य बाण से संभव थी। प्रजन्य अस्त्र बिन मौसम बादल पैदा करके वर्षा करता था। ये अस्त्र परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण के पास था। अन्य महारथियों के पास भी ये अस्त्र जरूर था, क्योंकि मंत्र सिद्धि करके इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। रुद्रास्त्र, ये प्रभु शिव का एक अद्भुत अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तो 11 रुद्रों की ताकत इसमें आ जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। कर्ण ने अर्जुन पर रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु अर्जुन भी महादेव का परम भक्त था। उसने शिव जी से शिव कवच प्राप्त किया था। इस कवच को सिर्फ और सिर्फ रुद्रास्त्र ही नष्ट कर सकता था, अन्य कोई अस्त्र नहीं। कर्ण को ये बात पता थी, तभी उन्होंने रुद्रास्त्र का प्रयोग अर्जुन के शिव कवच को नष्ट कर अर्जुन को घायल कर दिया। तीसरा है शक्ति या वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप इंद्र का वज्र अस्त्र है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। इस अस्त्र को एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतार कर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग कर दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता था। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई और जवाब नहीं था। इस अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे, पर प्रभु श्री कृष्ण के नज़रों से भला कौन बच पाया। अस्त्र जो कर्ण के पास था वो था ब्रह्मास्त्र। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिला और ब्रह्मांड नाम की 3 अस्त्र थे। इन सब में ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज़्यादा विनाशक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र के नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर प्रकट होता था, उसी तरह ब्रह्मशिला अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परीक्षित रूप है, उसके नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते थे। ब्रह्मांड अस्त्र भी इसी कड़ी में बना अगला परीक्षित रूप है, जिसके नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। ये अस्त्र एक रक्षात्मक अस्त्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे ढकेल सकता है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो ये सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि सौरमंडल को ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में लिखा है ब्रह्मास्त्र के उपयोग से समुंदर उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़ के हवा में डुलने लगते हैं और अंततः सब कुछ जल के ध्वस्त हो जाता है, जिसकी राख भी नहीं बचती। दोस्तों, इन सब अस्त्रों के अलावा कर्ण के पास और भी अस्त्र थे, जैसे भार्गवास्त्र जो परशुराम जी ने कर्ण को दिया था। इस अस्त्र ने पांडवों की कई सेनाओं का संहार किया था। करुणास्त्र नागास्त्र का तोड़ अस्त्र है, जब सब नागों को समाप्त करने के काम आता है उसे कहते हैं करुणास्त्र। ये भी कर्ण के पास था। नागास्त्र, ये अस्त्र एक अद्भुत भयंकर विषधारी नाग की तरह शत्रु सेना पर प्रहार करता है। कर्ण ने अर्जुन पे इसका प्रयोग किया था, जिसे अर्जुन ने करुणास्त्र से काट दिया था। नागपाश अस्त्र, ये अस्त्र नागास्त्र का ही एक परीक्षित रूप है, जिसमें सर्प सिर्फ एक कुंडली मार के ही अपने शिकार को जकड़ लेता था। वैसे ही नागपाश अस्त्र शत्रु को जकड़ लेता था और उसका दम घोट देता था। तो दोस्तों, ये थी वो महान अस्त्र जो अति शक्तिशाली बनाती थी कर्ण को। अब आप ही बताइए कि कर्ण श्रेष्ठ योद्धा था या अर्जुन। तो ये था आज का वीडियो। हम आगे भी आपके पास ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा
प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।